हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स लर्निंग हब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइब्रेटिंग सैंपल मैग्नेटोमीटर। वाइब्रेटिंग सैंपल मैग्नेटोमीटर क्या होता है? आमतौर पे हम जो यूज़ कर रहे हैं लैक शोर के, जो मोस्ट एडवांस PSM यूज़ और लैक शोर के यूज़ हो रहे हैं। और ये क्या है, एक वाइब्रेटिंग सैंपल मैग्नेटोमीटर ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को मैयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड इट इज़ इन्वेंटेड इन 1955, और ये 1955 में सीमन फॉरनर ने एट लिंकन लेबोरेटरी MIT में इन्वेंट किया था। और आमतौर पे हम जानते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और मटेरियल को स्टडी करने के लिए हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उनके इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर को स्टडी किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे तो हम इजीली जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, अलॉयज हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये सब के सब जो हैं वो डिफरेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ जो कोरिलेट बिहेवियर शो करते हैं। जैसे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नेबरिंग, के उनके करीब में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं या नहीं हैं, इसकी बेस पे उनका जो बिहेवियर होता है वो एग्जिस्ट करता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कोरिलेशन जो है वो डिफरेंट जो फिनोमेना जैसे मैग्नेटिज्म, सुपर कंडक्टिविटी, मेटल इंसुलेटर ट्रांजिशन और हैवी फर्मियोन बिहेवियर ऑफ द कंडक्शन है, ये वो बिहेवियर्स हैं जो शो कर रहे होते हैं। इसी तरह ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर हैं ये डिपेंड करती हैं द स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम एंड एक्सचेंज इंट्रैक्शन अमंग इलेक्ट्रॉन। अब द स्टडी ऑफ दीज इंट्रैक्शन अमंग इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर जैसे मैग्नेटिक मैयरमेंट एट लो टेम्परेचर एंड हाई मैग्नेटिक फील्ड, ये मेन पॉइंट है कि इस तरह की जो इंट्रैक्शन हैं उसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की जो मैयरमेंट होती है वो लो टेम्परेचर पे और हाई मैग्नेटिक फील्ड पे हमने मैयर करना होता है। दिस इज़ वेरी टफ सिचुएशन के लो टेम्परेचर पे हाई मैग्नेटिक फील्ड अकर करना। अब ये इसका हमारे पास जो है वो एक कह लें कि स्पेसिफिकेशन हमें बताएगी इसकी। यहाँ पे हमारे पास सैंपल होल्डर हैं और ये हमारे पास जो है मल्टीपल मैग्नेट कॉन्फ़िगरेशन है कि इसकी रेंज है हाई मैग्नेटिक फील्ड की। इसी तरह वेरिएबल टेम्परेचर, टेम्परेचर की रेंज बताई गई है कि ये हम -269 से 1000 डिग्री से, दिस इज़ वेरी हाई टेम्परेचर रेंज तक हम टेम्परेचर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसका इंटीग्रेटेड पार्ट है हमारे पास। ये हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है कि ये क्या है, सेंसिटिव लो नॉइस, सेंसिटिव लो नॉइज फ्लोर इलेक्ट्रोमैग्नेट बेस सिस्टम ऑन ब्रॉड सेट मेजरमेंट रेंज। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट्स ऑफ दी VSM, VSM के पार्ट्स कौन कौन से हैं? वाटर कूल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट है, पावर सप्लाई है, वाइब्रेशन एक्साइटर एंड सैंपल होल्डर, सेंसर कॉइल मौजूद हैं, एम्पलीफायर, लॉक इन एम्पलीफायर, मीटर, कंप्यूटर इंटरफेस। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट के जो सैंपल हमारे पास है वो पाउडर फॉर्म में, बल्क फॉर्म में या क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी जो डायग्राम हमारे पास दी गई है पार्ट्स ऑफ VSM की, दिस इज द वाइब्रेशन हेड, ये जो येलो कलर में हमारे पास है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, दिस इज द सैंपल विच इज प्रेजेंट इन द सैंपल होल्डर एंड दीज आर ग्रीन कलर आर पिकअप कॉइल्स हैं, ये हमारे पास पावर सप्लाई है एंड लॉक इन एम्पलीफायर मौजूद, इसी तरह ये कंप्यूटर सिस्टम मौजूद है। अगर हम इसको इस फॉर्म में देखें तो इन क्वाइल्स को हम हेल्महोल्ट्ज़ क्वाइल्स भी बोलते हैं, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, पावर एम्पलीफायर सर्किट मौजूद है, लॉक इन एम्पलीफायर मौजूद है, यहाँ पे जंक्शन फंक्शन जनरेटर मौजूद और ये वाइब्रेशन आइसोलेशन टेबल। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है VSM का, तो ए वाइब्रेटिंग सैंपल मैग्नेटोमीटर VSM जो है वो ऑपरेट करता है ऑन द फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन है, जो क्या हमें बताता है, विल टेल्स अस दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस तरह हम VSM को यूज़ करते हैं टू मैयर द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल। इस तरह VSM को हम यूज़ करते हैं ए सैम्पल मैग्नेटाइज बाई होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे अगर हम एक सैम्पल रखें, यहाँ पे हमारे पास इन कॉयल में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, तो जब ये वाइब्रेट होगा तो इसकी वाइब्रेशन से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। ये हमारे पास इसकी क्या है, ये वर्किंग प्रिंसिपल है। आगे जो है एप्लीकेशन जो हैं इसकी और डिसएडवांटेज जो हैं, फॉर मैग्नेटिक मैयरमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, मैयरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज़ करते हैं एंड मिनरल और
प्रॉपर्टीज के लिए हम इसको यूज करते हैं। इस तरह जो इसके डिसएडवांटेज हैं, वेट एंड डेंसिटी जो है इसकी बहुत ज़्यादा होती है, सेटअप काफ़ी हैवी होता है, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। उसके अलावा इसका जो दूसरा डिसएडवांटेज, ये सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन जो है ये भी एक डिसएडवांटेज है। इस तरह जो लिमिटेड फील्ड है, ये भी हमारे पास जो है कि फील्ड जो है वो लिमिटेड होता है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। ये था हमारे पास VSM का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके मेन पार्ट्स के बारे में। अगर आपका इनमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।